हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बहुत जल्दी बड़े पर्दे पर आपको अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ देखने वाले हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार दोनों ही बड़े मियां छोटे मियां फिल्म में नजर आएंगे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जुटे हुए हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ही वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने फिल्म के प्रमोशन को जब शुरू किया, फिल्म का प्रमोशन, तब भारी भीड़ जुट पड़ी और इसी भीड़ ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पर जूतों से, चप्पलों से हमले करने शुरू कर दिए, जिसकी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ हुई, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि पुलिस को वहाँ लाठी चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ गई। बताते चले कि आखिर ये हंगामा हुआ क्यों है। दरअसल जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लखनऊ आने की सूचना लोगों को मिली, धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ अक्षय को और टाइगर को देखने के लिए पहुंच गई। भीड़ में सभी लोग ये चाहते थे कि अक्षय कुमार कोई गाना करे, और इस वजह से जब अक्षय कुमार ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप शांत हो जाइए और लोगों की फरमाइश पूरी ना हो पाई, तब जाकर लोगों ने जूते, चप्पल, जो कुछ मिला वो अक्षय कुमार पर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि अक्षय और टाइगर श्रॉफ दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं लगा, एक भी खरोच नहीं आई है, लेकिन आनन फानन में प्रशासन जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ से निकाला, और उसके बाद वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हुई, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि लाठी चार्ज करने की भी ज़रूरत आन पड़ी। देखिए लखनऊ की ये वायरल हो रही वीडियो।